इधर करौल क्षेत्र में शादी नवराती के अवसर पर 3 वर्षों से गरबे का आयोजन किया जा रहा है। रंग रसिया गरबा महोत्सव समिति के द्वारा विशाल गरबा ग्राउंड में सभी गरबा प्रेमियों ने एक साथ डांडिया के साथ गरबा खेला। शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु माता रानी को मनाने के लिए भक्ति भाव से आराधना कर रहे हैं। बीते साल की तरह इस साल भी भोपाल के करौंद क्षेत्र में रंगरसिया गरबा महोत्सव के द्वारा गरबे का आयोजन किया गया। भूमिका सारंग और आयोजकों ने बताया कि जैसे ही गरबे के संगीत की धुन बजी, इसके बाद पूरा पंडाल डांडिया की खनक से गूंज उठा। प्रतिभागियों ने अपने सर्कल में गरबा शुरू किया। किसी प्रतिभागी ने राजस्थानी जैकेट पहनी तो कोई गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आया, जो पूरे गरबे में आकर्षण का केंद्र रहा। गरबे में मुख्य अतिथि भूमिका सारंग रही, जिन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है, आज इतने शानदार कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं आप सभी को और यहाँ आयोजित सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं गौरव भैया और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम गौरव गांधी है और हम बढ़िया रंगरसिया गरबा महोत्सव आयोजित कर सकते हैं करते हैं। डांस फ्लो अकेडमी की तरफ से ये आयोजन होता है। 3 साल से ये आयोजन कंटिन्यू चला रहा है, जिसमें हम 35 डेज की क्लासेस बच्चों को देते हैं क्लासेस, और हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक आयोजित किया जाता है। द डांस फ्लो अकेडमी की ओर से रंगरसिया गरबा महोत्सव का आयोजन विगत 3 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसमें हजारों फैमिलियां यहां आकर गरबा का आनंद ले रही है, जिसके आयोजक हैं गौरव सिंह दांगी। बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ के, और बहुत ही अच्छा करौद क्षेत्र में। मैं नहीं मानता कि इन सच कोई भी इवेंट लोग कर रहे हैं। गर्मी में आए लोगों का हौसला भी बढ़ाया, साथ ही समिति ने भूमिका सारंग का सम्मान भी किया। EMT News भोपाल।